बड़ी खबर आपको बता दें, हंड में ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हरियाणा में ठंड जो है उसके बढ़ने से लगातार विजिबिलिटी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि शीतलहर की वजह से आमजन की जिंदगी पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठंड की वजह से लोग ठिठुर रहे हैं, तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई है, कई जगहों पर ट्रेन भी लेट है, स्टेशन पर यात्री रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सोनीपत में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है और वाहनों की रफ्तार पर सीधे तौर पर असर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये 5 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रही हैं। तो देखिए, सोनीपत में कोहरा जो है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है। और अब तीसरी तस्वीर में देखिए, कई ट्रेनें लेट हुई हैं क्योंकि सर्दी जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रेन का इंतजार जो है वो तमाम यात्री यहां पर करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। हालांकि लोग जो है वो इस सर्दी से बेहद परेशान है। पांचों ही तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से कोहरे का जो कोहराम है वो यहां पर नजर आ रहा होगा। हरियाणा में जो ठंड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगले 4 से 5 दिन तक यूं ही ठंड बरकरार रहने वाली है। हालांकि तापमान जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। सोनीपत में कोहरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लेवल जो है ठंड का वो लगातार कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। अगर लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें खुद को कवर करके निकलना पड़ रहा है। तो देखिए, ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और यहां पर मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल सीधा लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल साधना, जो ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ठंड कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा पड़ रही है, हार्ड कपाने वाली ठंड पड़ रही है। तो कहीं कल की बात करें तो कल मौसम सुबह 4 बजे के बाद कोहरे की चादर में पूरा छाया हुआ था फरीदाबाद, तो कहीं ना कहीं 10 बजे के बाद थोड़ी बहुत धूप निकली थी जिससे कि लोगों ने ठंड से राहत ली। तो आज कहीं ना कहीं लोग काफी उम्मीद लगाई बैठे हैं कि जिस तरीके से कि सुबह से शीतलहर चल रही है और कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी सोचे कि आज भी धूप लगे जिससे कि हमें ठंड से कुछ राहत मिले। और हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है? महेश फौजी मेरा नाम है। फौजी, किस तरह से ठंड का कहर पड़ रहा है, कैसे? आज बहुत बढ़िया ठंड पड़ रही है और बिल्कुल ही हर आदमी अपना दस्ताने, ग्लोव्स और आग, जगह जगह आग जला रखी है लोगों ने, आग जला के सब आग में बैठे हुए हैं। बहुत तो घरों से निकलने का मन नहीं कर रहा जिस तरह से ठंड पड़ रही थी। घरों से बिल्कुल, अब तो बच्चे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा रोड पे, बच्चे और बूढ़े तो दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ यंग थोड़ा बहुत हलचल है, बाकी ज्यादातर अपने घरों में हैं, संडे मना रहे हैं आज बढ़िया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर साधना ये इनका यही कह रहा है कि आज तो संडे है, संडे के दिन जो गंतव्य के लिए लोग ऑफिस जाते हैं वो अपने घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात करेंगे जिस तरह की ठंड का प्रकोप, जो यातायात पुलिस की बात, उन्होंने एक अभियान चला रखा, जो बेल्ट लगा, जो टेप लगा रहे हैं कि वाहनों पर जिससे कि पता चल जाए कि कोई दुर्घटना हो ना हो उसके लिए। और किसानों की बात करें, जो रवि की जो फसल है, गेहूं की फसल है, उसके लिए जो ठंड है काफी लाभदायक है उनसे, कि जो गेहूं की फसल में काफी उन्हें फायदेमंद रहेगी। और बात करें कि जिस तरीके से अगर ज्यादा लगातार ठंड पड़ती है तो सरसों की जो फसल होती है उसको काफी नुकसान देखने को मिलेगा। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर बात की जाए तो ये ठंड जो है वो लगातार किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, तो किसानों की बात की जाए तो उनकी फसलों पर कितना ज्यादा फायदा होने वाला है? बिल्कुल साधना, अगर जिस तरह से लगातार ठंड पड़ती है तो और ओस पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो गेहूं की जो फसल होती है उसमें नमी दिखाई देगी जिससे कि गेहूं ज्यादा ही पकेगी और बढ़िया ही फसल होगी। तो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा ही ज्यादा पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो सब्जी है उनपे भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, जैसे कि सरसों की फसल है उनके भी काफी नुकसान है ज्यादा ठंड पड़ने से। जी,
बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर हालांकि सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जो मजदूर हैं, जो काम करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह की अगर बात करें कि जो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो रैन बसेरे की बात करते हैं, रैन बसेरे का उनका पुख्ता इंतजाम किया गया, जो गंतव्य के जो बाहर के लोग आते हैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचाते, रात को जो ठंड लगता है तो रैन बसेरे का सहारा भी ले सकते हैं, और जगह जगह पर लोगों ने अपने कैंपिंग लगाई गई है, जैसे कि लोगों को कम्बल वहां पर बांट रहे हैं समाज से भी लोग। और बात करें आपको दिखाता हूँ इस तरह की ये जो रोड है काफी चलने वाला रोड है, तो आज संडे की बात करें तो काफी कम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अपने घर पर एंजॉय कर रहे हैं। आप सामने की तस्वीर देख सकते कि किस तरह से लोग वहां पर अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने के लिए, अपने जो शरीर को राहत देने के लिए यहां पर लोग यहां पर बैठे, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से ठंड पड़ रही है। तो बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस ठंड में, जिस तरह की बीमारी हो रही है, डॉक्टर भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग है बच्चे घर से बाहर ना निकले। और बात करेंगे, अंकल क्या नाम है आपका? शीशपाल जी। शीशपाल, किस तरह की ठंड पड़ रही है? बहुत कड़ाई पड़ रही है जी, वातावरण से टापरे का करें जी घर में। जिस तरह लोग तो यही कहना है कि तो कल जिस तरह से धूप लगी तो उन्हें ठंड से कुछ राहत मिली थी जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, जितेंद्र बात की जाए, हालांकि बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां तो कर दी गई हैं, लेकिन बात की जाए तो जो बाकी अन्य लोग हैं, हालांकि आपने जिक्र किया है कि रैन बसेरों का इंतजाम तो कर दिया गया है, लेकिन और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? यात्री जो भी आता है तो वहाँ पर उनके लिए एक कंबलों के लिए जो बैठने के बेड का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया, खाने का उनको किया गया, तो लगातार प्रशासन भी कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम उनके लिए कर रहे हैं जी। बिल्कुल जितेंद्र, आप फिलहाल अब क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? आसपास आपके लोग भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जितेंद्र, जितेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। सोनीपत से लाजपत जुड़ गई हैं, लाजपत आपके पास आना चाहूंगी मैं, फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं, क्योंकि सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल साधना, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जहाँ पर दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाने वाला हाईवे है और लगातार इस पर धुंध का कहर है। हर जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आग जलाकर जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए प्रयासरत है, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा हाईवे और इस पर काफी बड़ी किल्लत दिखाई देती है, लोगों को काफी बड़ी दिक्कत रहती है। एनएचआई की जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी पर नहीं उतरते, क्योंकि लगातार जो रिफ्लेक्टर है या जो रोड टूटे हुए हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है, दुर्घटनाओं का रूप दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि यहाँ पर आग जलाकर सहारा लिया जा रहा है, आग इसलिए जलाई जा रही है कि ठंड काफी है। बातचीत कर लेते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है तो ठंड काफी है, तो कैसे देखते हैं ठंड से बचने के लिए आपने आग का सहारा लिया? देश का सबसे बड़ा हाईवे है, आप यहाँ पर बैठे हैं और आग जलाकर सहारा ले रहे हैं, ठंड कितनी ज्यादा है और धुंध का कहर है, और धुंध की वजह से वाहनों को भी काफी बड़ी दिक्कत रहती है, दुर्घटनाएं भी हो जाती है। एनएचआई की कहां लापरवाही देखते हैं, और दूसरे साथी है उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनको सफर तय करना था, आप सफर तय कर रहे थे और आप आग का सहारा ले रहे हैं, ठंड कैसी है, हाईवे को देखते हैं, हाईवे पर दुर्घटनाएं हो जाती है, किस नजरिए से देखते हैं? ठंडी बहुत है सर। अच्छा चलो, सहारा लेते हैं ठीक है, प्रयास करते हैं, और भी हमारे साथी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाईवे है और हाईवे काफी बड़ा है और इस पर धुंध का कहर दिखाई देता है। मेरे सहयोगी दिखा दें कि जो हाईवे की हालात कितने गंभीर है, इस पर व्हाइट पट्टी तो है लेकिन सुरक्षा की कोई भी चीज ऐसी दिखाई नहीं देगी जिससे दुर्घटना का कारण बनता है, और कारण ये भी होता है कि काफी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना होता है। एनएचआई की कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है, और धुंध और ठंड दोनों इतनी बुरी तरीके से है, जिन लोगों को अपनी यात्रा पर जाना होता है वो फंसे रहते हैं जी। लाजपत, यहाँ पर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए साधना, रैन बसेरों का कोई भी ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है
सरकार की लापरवाही दिखाई देती है, इसीलिए लोगों को आग का सहारा लेना होता है। जो आम आदमी है वो इस चीज से जरूर परेशान है। जैसे प्रशासन की बात बता दूं, मेरे सहयोगी आपको दिखा भी दिए, ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है, ये आपको हालात हाईवे के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से गाड़ियां कूद जाती हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और ये जिम्मेवारी है कि NHAI की, ताकि इस तरीके के जो रोड का हालात है, ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है, उसके ये हालात है। और आप देख सकते हैं जो मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि गाड़ियों के जो लाइन है वो कितनी बड़ी लाइन है, और दिन में ही लाइटें चलाकर जो है उनको चलना मजबूरी है, क्योंकि काफी बड़े सफर तय करने होते हैं, और दिल्ली से चंडीगढ़ जो जाना होता है जिन लोगों को, वो सफर में फंसे रहते हैं और काफी बड़ी किल्लत रहती है। NHAI की कहीं ना कहीं लापरवाही मैंने आपको दिखा दी है, NHAI की सबसे बड़ी लापरवाही यही है। टोल जरूर वसूला जाता है लोगों से, लेकिन फिर भी हालात गंभीर बने रहते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है रात के अंधेरे में, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता, गाड़ियां यहाँ से कूद जाती है जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है और काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जब देश के हाईवे के ये हालात है, तो आम गाँव से गुजरने वाले हाईवे है उनके कितने गंभीर हालात है, जहाँ से तोप चुराए हैं वहां पर रिफ्लेक्टर नहीं है, लाइटें नहीं है, और रात के अंधेरे में दुर्घटनाएं हो जाती है।